कहते हैं माया नगरी मुंबई ने बहुतों की तकदीर बदल दी है। इस मायावी शहर ने लोगों को उम्मीद से अधिक सफलता और ऊंचाइयां दी हैं। और इसी उम्मीद और सपनों को पूरा करने यूपी के भदोही जिले का एक 10 साल का लड़का मुंबई आ पहुंचा। सचिन तेंदुलकर को टीवी पर क्रिकेट खेलते देखा और क्रिकेटर बनने का जुनून सवार हो गया। फिर क्या था, न ज्यादा सोच विचार किया, न गुड़ा भाग किया, वो चल पड़ा माया नगरी की ओर अपने सपनों को पूरा करने, अपनी उम्मीदों को नई उड़ान देने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक आज आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग केस स्टडी लेकर आया हूं। ये कहानी हर छोटे शहर के युवा की है जिसके सपने बड़े हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कैसी लगन, कैसी हिम्मत और कैसे इरादे होना चाहिए, यह सीखना चाहिए 19 साल के युवा यशस्वी जायसवाल से। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सुर्खियों में आए यशस्वी जायसवाल ने जीवन में आने वाली दुश्वारियों और कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी। मात्र 10 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई तो आ गया, किंतु न रहने का कोई ठिकाना और न खाने का कोई जतन। सोने को एक छत मिल सके इसके लिए डेयरी की नौकरी की, लेकिन वो नौकरी भी ज्यादा दिन ना चल सकी क्योंकि यशस्वी का ज्यादा ध्यान तो क्रिकेट पर था। फिर गया था, एक दिन डेयरी मालिक ने उनका बोरिया बिस्तरा समेटा और यशस्वी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर यशस्वी सड़कों पर, फुटपाथ पर आ गए। उस समय यशस्वी को घर की बहुत याद आई, बार बार घर वापस जाने का विचार उनके मन में आने लगा, लेकिन उसे तो क्रिकेटर बनना था। फिर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उसे आजाद मैदान में एक टेंट के नीचे रहने की अनुमति मिल गई। जी हाँ, आपने सही सुना, एक टेंट के नीचे रहने की अनुमति मिल गई और 11 साल का लड़का यशस्वी 3 साल तक टेंट में रहा। उसने टेंट में गर्मी भी झेली, बरसात भी झेली और साथ ही स्टाफ के टॉर्चर भी सहे, लेकिन अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस जारी रखी। 2 जून की रोटी के जुगाड़ में मुंबई की सड़कों पर पानी पूरी भी बेची, पर अपने सपनों पर अडिग रहा। कहते हैं जब आप ईश्वर की सारी परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो ईश्वर किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर आपके लिए भेज देता है। और ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई जब कोच ज्वाला सिंह की यशस्वी पर नजर पड़ी और यह मुलाकात यशस्वी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यशस्वी के संघर्ष से प्रभावित ज्वाला सिंह को यशस्वी की कहानी में मुंबई में उनके अपने संघर्ष के दिनों की याद ताजा कर दी। फिर क्या था, ज्वाला सिंह ने यशस्वी को न सिर्फ अपनाया बल्कि उनके सारे खर्चे उठाते हुए उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स को निखारने का काम शुरू कर दिया। फिर तो मानो यशस्वी के सपनों को पंख मिल गए। 2015 के गिल्स शील्ड टूर्नामेंट में 319 रन नॉट आउट और 13 विकेट लेने के कारण यशस्वी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। 2018 के अंडर 19 एशिया कप में 318 रन बनाकर सर्वाधिक रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने यशस्वी। 2019 के विजय हजारे ट्रॉफी में मात्र 154 गेंदों पर 203 रन बनाकर क्रिकेट की दुनिया में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं यशस्वी। और अभी हाल में समाप्त हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल मैच में भारत की हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए यशस्वी। और सबसे मजेदार बात, सबसे बढ़कर बात, IPL 2020 के लिए सड़क पर 10 रुपए की पानी पूरी बेचने वाले इस लड़के को राजस्थान रॉयल्स ने 2.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। दोस्तों, यशस्वी की कहानी आज हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव के युवाओं को बड़े सपने देखने और पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। संघर्ष और सफलता की इस अनोखी दास्तान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक के साथ ही अपने मोबाइल फोन के हर कॉन्टेक्ट के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। रिबूटिंग माइंड्स के मिशन को सफल बनाने में आपके योगदान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।